भागलपुर जिला के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित बाईपास टोल प्लाजा पर 28 अगस्त 2024 को हुई चालक सह ट्रांसपोर्टर बलराम यादव की संदिग्ध आत्महत्या का मामला सामने आया था। दरअसल भागलपुर ट्रक ओनर एसोसिएशन के अनुसार बलराम यादव के साथ टोल प्लाजा पर मारपीट की गई और टोल केबिन टूटने के एवज में 3 लाख रुपए की भारी रकम की मांग की गई थी। बताया जा रहा है कि टोल टैक्स के मैनेजर संतोष यादव ने बलराम यादव को 27 अगस्त को ट्रांसपोर्टर सामंत सिंह और उत्तर प्रदेश के पंकज से फोन पर बात कराई थी, जिसमें उनसे जुर्माना राशि की मांग की गई थी। बलराम यादव उस समय डरे और भयभीत होकर फोन पर बातचीत कर रहे थे, जिसकी पुष्टि बंगाल के ट्रांसपोर्टर और बलराम के दोस्त पंकज ने की है। वहीं ट्रक मालिकों और चालक समुदाय ने बलराम यादव के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। उन्होंने इस मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है, ताकि भागलपुर की सड़कों पर ट्रक चालक निर्भीक होकर अपना व्यवसाय कर सके। बता दें कि बलराम यादव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले थे, जिसकी मौत को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि यह आत्महत्या थी या फिर हत्या। वहीं ट्रक मालिक और चालकों ने इस मामले में न्याय की मांग की है। ट्रक चालक और सह ट्रांसपोर्टर हैं, मालिक भी हैं और चालक भी हैं, यह उत्तर प्रदेश के हैं, गोरखपुर के। तो हम लोग अभी यही मतलब अंदेशा लगाए हैं कि अगर ये अपने से आत्महत्या अगर किए भी हैं, तो जो टोल टैक्स का जो कर्मचारी है उसके द्वारा इतना नहीं इसको प्रताड़ना किया गया, उसके दबाव में ही अपना आत्महत्या कर लिया होगा। अभी तक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, तो हत्या या आत्महत्या तो ये नहीं कहा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि भागलपुर जो टोल प्लाजा है, इसका जो कर्मचारी है और इसका जो संवेदक का जो सभी लोग कर्मी है, यह जिस दिन से आए हैं 10 दिन से, ये लगातार इनका ऐसा हवत बना दिया कि कोई भी ड्राइवर के साथ मारपीट करना, रात के दारू पी के रहना, कई बार ऑडियो भी है मालिक का पूरे बिहार के, बेतिया के, मोतिहारी के, जिनके ड्राइवर के साथ ये लोग मारपीट करते हैं। तो यह जो घटना घटा है परसों 27 से लेकर 30 के बीच में, यह मालिक बलराम यादव की, अभी हम लोग यही मान रहे हैं कि भाई यह टोल के कारण इनकी मौत हुई है, या वो मार के लटका दे या ये अपने से खुद मर जाए, लेकिन टोल वाला जो है इनको कितना ने प्रताड़ना किया है जिसके चलते इनकी मौत हुई। हम लोग भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन, जो ट्रक मालिक का यहाँ संगठन है, इसके तरफ से पहला हम लोग का लाइन यह है कि पहले जिला प्रशासन को और एसपी महोदय को और थाना को, 3 जगह हम लोग इसका एक लिखित आवेदन पहले दे रहे हैं, आज दिए भी और देने भी जा रहे हैं, और इसका पहले 2 दिन में जाँच होने दिया जाए कि यह मौत कैसे हुई। ये तो क्लियर है, ये सब लोग जान ही रहे, उनके परिजन भी आए हुए हैं, उनके बेटा भी आए हुए हैं, सब लोग उनका जो मोबाइल से बात किया है संवेदक के, टोल मैनेजर के जो मोबाइल से, वो सब रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य भी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह तय हो जाएगा कि भाई घटना में शामिल लोग किस तरह से हैं। और 2-4 गो टोल कर्मचारी जेल भी जा रहे हैं, जैसा जानकारी पदाधिकारी से मिला है। हम लोग अभी इसी संबंध में जाँच पड़ताल करके आवेदन देंगे और इनको भरपूर सहयोग मिलेगा। ट्रक मालिक से भागलपुर जिला संगठन इतना मदद करेगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगा, अगर इन लोग के केस हल्का पड़ जाएगा थाना पुलिस के सामने, वो टोल संवेदक के पैसा के सामने, तो फिर हम लोग न्यायालय में इसका मुकदमा करेंगे। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सह भागलपुर जिला प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासनकाल की याद आ रही है, जब ट्रांसफर और पोस्टिंग जाति और जीव देखकर हुआ करती थी, न कि अधिकारियों की योग्यता के आधार पर। संतोष कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय आईएएस अधिकारियों को खैनी लगाने के लिए कहा जाता था और वर्दी पर थूक दिया जाता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस दौर में एक विधायक को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी गई थी और आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ रेप के मामले को भी विस्तार से बताया। दरअसल संतोष कुमार सिंह भागलपुर में 20 सूत्री की बैठक के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने NDA कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उनके बयानों की कड़ी आलोचना की है।
वहीं मंत्री के इस बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्मी आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव और राजद की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। तेजस्वी यादव जी का अपने माता पिता जी के शासनकाल का याद आ रहा है। तेजस्वी जी के माता पिता के शासनकाल में जाति और जीव देखकर पोस्टिंग होती थी, चाहे वो सड़ियल हो चाहे मड़ियल हो, अफसर की क्वालिटी कोई हो उससे मतलब नहीं था, सिर्फ जाति और जेब से मतलब था। और हम कहना चाहेंगे, आप सब लोग जानते हैं, उनके राज्य में एक प्रकरण था जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता था। एक आईएएस पदाधिकारी के पत्नी के साथ 2 साल तक रेप हुआ और उस समय के सरकार के माननीय विधायक का बेटा था, हेमलता जी का नाम भी खोल देते हैं। और जब अभी नहीं रहे हम लोगों के बीच में आदरणीय सुशील जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये विषय गया तो लोगों को फरार हो गई, फिर बाद में अरेस्टिंग हुआ, जेल गई। अब तेजस्वी जी ऐसे ऐसे प्रकरण पे बोल रहे हैं तो लगता है कोई शराबी मद्य निषेध पे प्रवचन दे रहा हो, ऐसे बोलते हैं। उनको अपने माता पिता का शासनकाल का याद आ रहा है, इसमें नो डाउट। और तो और कहिए, ये आईएसओ की बात है, खैनी गड़वाया जाता था, खैनी आईएसओ कहा जाता, खैनी बनाओ जरा खैनी खाना, उससे भी नहीं हुआ तो थूक दिया जाता था वर्दी पे, जिस वर्दी के चलते पूरा देश आपका राष्ट्र सुरक्षित रहता है, उस वर्दी को भी उनके शासनकाल में उनके माता पिता ने गंदा किया। और तो और विधायक की स्थिति क्या थी, कई विधायकों की हत्या होती थी, लाइन में लगा के गोली मारा जाता था, वो शासनकाल था। वैसे हमारे कई विधायक हैं, अजीत सरकार की हत्या हुई, देवेंद्र दुबे की हत्या हुई, छोटन शुक्ला की हत्या हुई, मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई, सहित कई नेताओं की हत्या हुई। इसलिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव जी से आग्रह है कि कुछ कहने से पहले थोड़ा अपने गिरबान में झांक के देख लें। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 26 अगस्त से 31 अगस्त तक विभिन्न खेल कार्यक्रमों के तहत फिट इंडिया और खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया अभियान के अंतर्गत 1 किलोमीटर वॉक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सैंडिस कंपाउंड के स्टेशन क्लब से मनाली स्थित बैडमिंटन स्टेडियम तक किया गया, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पीरपैंती विधायक ललन कुमार समेत कई गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी शामिल हुए। वाक के बाद आयुक्त, जिलाधिकारी और विधायक ने बैडमिंटन भी खेला। इस अवसर पर आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में विजेताओं और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। बालक एकल अंडर 13 में ऋषभ राज ने प्रथम स्थान और अमित राज ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि बालिका एकल अंडर 17 में आराध्या पीहू ने प्रथम और रीचा राणा ने द्वितीय स्थान हासिल किया। अंडर 19 में रीसु कुमार प्रथम और आदित्य कुमार द्वितीय स्थान पर रहे, जबकि पदाधिकारियों में देवेंद्र कुमार ने प्रथम और जय नारायण सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पीरपैंती विधायक ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। वहीं आयुक्त ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को स्मरण दिलाने वाला बताया, साथ ही कहा कि खेलना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इस अवसर पर खिलाड़ियों और प्रतिभागियों ने भी खेल के महत्व को रेखांकित किया और सभी आयु वर्ग के लोगों को खेल को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की गई। खेल जो है वो हम लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे किसी भी आयु वर्ग के हो या किसी भी कोई भी हो, उसको कोई ना कोई खेल है उसमें ज़रूर उसमें भाग लेना चाहिए और उसको एक आदत के रूप में हमेशा बरकरार रखना चाहिए। तो इसे खेल भावना भी बनी रहती है और खेलते रहने से आप लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं अपने जीवन में, स्वस्थ रहते ही हैं और मानसिक रूप से भी हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, लोगों में भाईचारा बढ़ता है।
भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के छोटी योगीवीर गांव में ग्रामीणों ने शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ एकजुट होकर कदम उठाया है। गांव के सभी ग्रामीणों ने बैठक कर निर्णय लिया कि वे गांव में किसी भी हालत में शराब नहीं बनने देंगे और न ही बिकने देंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि किसी के बारे में शराब बेचने की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाएगा। इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गाँव की महिलाओं ने निभाई है, जो शराब बेचने के खिलाफ जागरूकता दिखा रही है। जगदीशपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम मंडल ने भी इस अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और ग्रामीणों को शराबबंदी के महत्व को समझाया। जबकि जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार ने बैठक के दौरान कहा कि शराब बेचने वालों और पीने वालों के लिए कोई राहत नहीं होगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे शराब से दूर रहे, क्योंकि शराब परिवारों को बर्बाद कर देती है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की शराब बिक्री की जानकारी पुलिस या टोल फ्री नंबर पर दी जा सकती है। बैठक में चांदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया राजीव शाह, वार्ड सदस्य गोरेलाल महतो, रूबी देवी, जीरा देवी सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित यात्री सेठ धर्मशाला में 18 पंचायतों की जमीन के सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है। सर्वे अमीन नालेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि सुल्तानगंज प्रखंड के सभी 18 पंचायतों में यह सर्वे कार्य चल रहा है। पंचायत भवनों और सरकारी विद्यालयों में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अब तक अपने पंचायत भवन या सरकारी विद्यालय में जमीन सर्वे का फॉर्म जमा नहीं किया है, वे सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित यात्री सेठ धर्मशाला में सभी आवश्यक कागजातों के साथ अपना सर्वे फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस दौरान कई कर्मचारी और अमीन भी उपस्थित थे, जो सर्वे प्रक्रिया में सहयोग कर रहे थे। सुल्तानगंज प्रखंड के कमरगंज पंचायत भवन में स्वच्छता को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सरकार के निर्देश अनुसार पंचायत के मुखिया भरत कुमार ने इस बैठक का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छता कर्मी, जीविका दीदी, पर्यवेक्षक, आशा कार्यकर्ता, डीलर, विकास मित्र, आवास सहायक, कार्यपालक सहायक, पंचायत सचिव और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुखिया भरत कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार सभी स्वच्छता कर्मियों को हर घर से प्रतिमाह 30 रुपये एकत्रित करने का निर्देश दिया गया है। यह राशि हर घर की सफाई, सूखा और गीला कचरा प्रबंधन और गांव की सफाई के लिए उपयोग की जाएगी। बैठक के दौरान उन्होंने स्वच्छता कर्मियों और पर्यवेक्षकों को ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित कर इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए।